इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए भाजपा और एनसीपी के बीच बड़ी डील हुई है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि भाजपा की ओर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई है। इधर बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। संसद भवन में पीएम मोदी और शरद पवार की करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। शरद पवार ने महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां पर मौजूद रही। शरद पवार की मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी चीफ शरद पवार की तारीफ की थी और मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा शिवसेना को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर करने के लिए लगातार एनसीपी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा की ओर से शरद पवार को राष्ट्रपति बनने की पेशकश की गई है। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच अभी तक सहमति नहीं बनी है। पिछले दिनों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तीनों दलों में सहमति बन गई थी, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले बयान देकर सियासी गलियारों में सभी को चौंका दिया था। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी है, वो अपना रास्ता चुने, दोनों दलों को अपना रास्ता तय करना है। वही कांग्रेस एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ी है, वो अपना रणनीति बना रही है। शरद पवार की इस प्रतिक्रिया पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी पलटवार किया था और संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार को समझने के लिए लोगों को वर्षों समय लग जाएगा। दरअसल राउत से मीडिया ने ये सवाल पूछा था, जिस पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी थी। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।